نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين अल्लाह सुबहान तआला अपने पाक कलाम कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाते हैं वला नब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ वनक्ज मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबशिरिस सौबिरीन और जरूर आजमाएंगे हम तुमको किसी कदर खौफ और भूख से और मुब्तला करके नुकसान में माल और जान के और आमदनियों के और खुशखबरी दे दो सबर करने वालों को। अल्लाह सुबहानहु ताला ने ये हमारी हिदायत की किताब हमारे हाथ में पकड़ा दी और उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा। हर बंदे की आजमाइश मुख्तलिफ होगी, हर बंदे का टेस्ट मुख्तलिफ होगा, लेकिन आजमाए जाएंगे हम जरूर खौफ से। किसी चीज का खौफ हो सकता है लाहक हो जाए, भूख से, खाने के ना हो, पीने के ना हो, किसी तरह के नुकसान से, चाहे वो माली हो चाहे जानी। कल हमारी एक बहुत ही अजीज खातून के बेटे का इंतकाल हो गया, सिर्फ 35 इयर्स का बेटा था उनका और सुना है कि बहुत ही खिदमत गुजार था, बहुत ही माँ की कदर करने वाला था। अल्लाह के पास चला कि अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उसके लिए आसानियां करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और जब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने कहा कितना मुश्किल है एक माँ के लिए जो एक बच्चा पैदा करती है, फिर उसको बड़ा करती है, उसकी तरबियत करती है और अल्लाह ताला उसे ले लेता है। ये है बहुत बड़ी आजमाइश उस माँ के लिए। इसी तरह किसी के वालिदैन चले जाते हैं, किसी के शोहर चले जाते हैं, किसी की औलाद चले जाती है, ये सब क्या है अल्लाह की आजमाइशें। और हो सकता है अल्लाह ताला हमें माल से आजमाए, हो सकता है हमारी अर्निंग इतनी ना हो, खर्चे ज्यादा हो सकता है हम चाहें कि हम लग्जरियस लाइफस्टाइल हो लेकिन हम उतना ना कमा सके, तो ये क्या होती है हमारी आजमाइशें। अब अल्लाह ताला के आगे बड़ी खूबसूरती से कहते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो सबर करने वाले के पहुंचती है उन्हें कोई मुसीबत। किनकी बात हो रही है? जब पहुंचती है उन्हें कोई मुसीबत तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हमें इसी की तरफ लौट कर जाना। कितना बड़ा लेसन है। हमें कोई आजमाइश पहुंचती है हम कहते हैं अल्लाह ये क्या हो गया है, मेरे पे कयामत टूट पड़ी है, लेकिन जो सबर करने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक ये अल्लाह की तरफ से आई है और मुझे भी उसी की तरफ लौट के जाना है। तो परेशानी कम एकदम नहीं हो जाती कि ठीक है आ गई है, अल्लाह ने लिखी थी आ गई है, लेकिन एक्चुअली मुझे भी तो उधर ही लौट के जाना है। और अगली आयत तो इतना ही हौसला देती है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुम व उलाइका हुमुल मुहतदून, द
दरअसल यही वो लोग हैं कि उन पर इनायतें उनके रब की और रहमतें भी। अल्लाह अकबर, बजाहिर दुनिया में क्या लग रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जवान बेटा चला गया, अब इसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, इसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। लेकिन जो लोग सब्र कर जाते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह उन पे इनायात और रहमतें नाजिल करना शुरू कर, वो किस सूरत में, वो हो सकता है हमें जाहिरी नजर ना आए, लेकिन वो इनायात और रहमतें इतनी है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि यही वो लोग हैं जिन पर इनायतें उनके रब की और रहमतें भी, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। और सबसे बड़ी रहमत और इनायत जो अल्लाह किसी को देता है वो है हिदायत का तोहफा। और ये बात आपको बहुत ज्यादा फील होगी जब आप बाहर निकलेंगे, जब लोगों की महफिलों का हिस्सा होंगे। एक महफिल ऐसी होती है दिल में सुकून होता है, दिल में अल्लाह की याद आज़ा होती है, एक महफिल ऐसी होती है कि दिल बेचैन होता है। जिसको हिदायत मिल गई, मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है और इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है, क्योंकि हिदायत के बगैर अमल हो ही नहीं सकता, भारी लगेगा आपको। ये सूरह बकरा की आयत जब मैं कल से पढ़ी थी तो मेरे दिल को इतना सुकून और अल्लाह सुभान व तआला पे अजीब सा प्यार आ रहा। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि ये तुम्हारी जिंदगी में होगा, फिर ये भी बता दिया कि हमें रिएक्ट कैसे करना है, फिर ये भी बता दिया कि अगर जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस पर रिएक्ट करोगे फिर तुम्हारे लिए ये रखा हुआ। कितनी मोहब्बत करता है हमसे अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये कलाम कि जब इसको समझ के पढ़ा जाए तो दिलों पे मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो यही काफी है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो आज के बाद जिंदगी में डिफरेंट वाकयात हो जाए तो ये मत कहिएगा क्यों, और ये भी मत कहिएगा काश, क्योंकि ये कलमात शैतान के हैं। होगा क्या जो मेरे अल्लाह की चाहत है, बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है तो वो भी तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है, अगर तूने मुखालिफत की इसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको इसमें जो तेरी चाहत है, फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत। इतने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं कि आपको बहुत से थके हुए लोग नजर नहीं नजर आते हैं, जो दुनिया में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन थक चुके हैं, उन बेचारों को मिल कुछ नहीं। रदी तो बिल्ला ही रब्बा के मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ, एक इतना बड़ा हथियार है कि अगर आपको इस पे यकीन आ जाए, दुखी जरूर होंगे लेकिन कभी मायूस नहीं। और जब मुझे पता है कि ये स्टेशन बहुत थोड़ी सी देर के लिए मेरा है, इसके बाद मैंने गुजर के अपने अल्लाह के पास चला जाना है, तो मैं क्या यहाँ की तैयारी करूंगी, अगले घर, अपने अगले घर जो मेरा हकीकी घर है और मेरा अबदी घर। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए हमने देखा कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी, कैसे वो घबराए, कैसे हजरत खदीजा ने उसका उनका हौसला बंधाया, कैसे मुख्तलिफ लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और सहाबा कराम इस्लाम लाते रहे, कैसे सबसे पहले इस्लाम लाने वाले गरीब और गुलाम थे, कैसे वो अल्लाह सुभान व तआला के दीन पे डटे रहे और अल्लाह का कलमा बुलंद करते रहे, जितनी भी तकलीफें आई वो पीछे नहीं। आज जरा सी तकलीफ आती है ना तो हम पीछे हट जाते, जरा सा सर में दर्द होता है ना तो कुरान की क्लास लेने का दिल नहीं करता, आप 1 घंटा दोबारा बैठूं और फिर दोबारा क्लास लूं और फिर होमवर्क भी सबमिट कराऊं और क्विज भी करूं। जब हम सीरते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं, हकीकतन ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी की हर तकलीफ बहुत छोटी और मामूली लगती है, ऐसे लगता है मेरे पे तो कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि रहमतें और बरकतें अल्लाह की इतनी है कि मैं तो उनका शुक्र भी अदा नहीं कर सकती और हिसाब देना तो बहुत दूर की बात। अपनी प्रायोरिटीज को चेंज, अल्लाह सुभान व तआला पे पूरा भरोसा करें। आज हम देखेंगे कैसे जब स्ट्रॉन्ग लोग, पॉपुलर लोग, ऐसे लोग जो कि एक हैसियत रखते हैं और डट के खड़े हो जाते हैं,
जब वो इस्लाम कबूल करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हों का कबूल इस्लाम, हजरत हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अबू तालिब, और कौन चचा थे, तीन अबू लहब। चचाओं को हम देख रहे हैं और तीनों के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट पोजीशंस हैं। तालिब जो थे उन्होंने सपोर्ट फुली किया लेकिन इस्लाम कबूल किया, आप रस्ती में पड़े रहे, वो खड़े थे विवाद की तरह लेकिन कलमा नहीं पढ़ सकते। देखने में तो वो बज़ाहिर बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत दफा हमें देखते हैं उनका काश वो कर लेते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना रोता होगा कि मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर पा। एक ही कैरेक्टर है, एक अबू लहब का कैरेक्टर है जो कि इतना बुरा है कि जिसके बारे में एक सूरत ही कुरान की आ गई कि अबू लहब और उसकी बीवी पे एक सूरत आ गई कि ये लोग आग में जलेंगे, जहन्नुम उनका मुकद्दर होगी। अब तीसरे चचा के बारे में हम पढ़ेंगे, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हमजा के बारे में कहा जाता है कि ये शिकार में बहुत माहिर थे और अरब में शिकार एक बहुत बड़ा हॉबी थी, जैसे आज हम कहते हैं ना गेम्स खेले वो, तो वो शिकार बड़े शौक से करते थे, ये शिकार में बड़े माहिर थे और ये शिकार में मसरूफ रहते थे। और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे थे कि ये अपनी दुनिया में गुम लोग जो होते हैं कि हो रहे, हाँ कुछ हो रहा है लेकिन हमें नहीं पता। एक दिन अबू जहल कोहे सफा के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो उसने आपको ईजा पहुंचाई। कहा जाता है कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर भी दे मारा जिससे खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की एक मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जुदान की एक लोंडी कोहे सफा पर वाके अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। थोड़ी देर बाद हजरत हमजा कमान हमायल किए शिकार से वापस तशरीफ लाए तो इसने सारा वाकया कह सुनाया। हजरत हमजा दौड़ते हुए अबू जहल के सर पर जा सवार हुए और बोले, अरे ओ बादे शिकम छोड़ने वाले, तू मेरे भतीजे को गाली देता है हालांकि मैं भी इसी के दीन पर हूँ। इसके बाद इसे इस जोर से कमान मारी कि इसके सर पर बदतरीन किस्म का जख्म आ गया। इस पर दोनों कबीले बनु मखजूम और बनु हाशिम एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, मगर अबू जहल ने यह कहकर मामला ठंडा कर दिया कि अबू अम्मारा यानी हजरत हमजा को जाने दो, मैंने वाकई इसके भतीजे को बहुत बड़ी गाली दी थी। खून की कशिश होती है, हो सकता है हमारे खानदान का कोई बंदा हमसे ना भी बोलता हो, हमारे खिलाफ राज, लेकिन कोई दूसरा उसके बारे में बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे ही हुआ कि अबू जहल ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाया और सर पे मारा। और एक लोंडी थी उसने ये सारा वाकया सुना और जब शिकार से हजरत हमजा वापस आ रहे थे उन्होंने बता दिया। उन्हें इतना गुस्सा आया जाकर उन्होंने अबू जहल को मारा भी और उसे कहा मैं भी उसी के दिन पे हूँ। ये क्या था, ये दिल से इस्लाम कबूल था या रिएक्शन था? लेकिन अल्लाह सुभानहु ताला ने जब खैर का काम आपसे करवाना होता है तो इन दफा रिएक्शन में करवा देते हैं। बहुत से लोग हैं जो गुस्से में वो बातें कर देते हैं, अब कर तो दी, अब पूरी भी करनी पड़ेगी। इसके बाद जाहिर है कि हजरत हमजा का इस्लाम महज हमियत के तौर पे था, मतलब दिल से उन्होंने नहीं कहा था, अल्लाह ने जुबान से निकलवा दिया था। गोया किसी कसद व इरादे के बगैर जबान सकबत तक कर गई लेकिन फिर अल्लाह ने इनका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। उसके बाद गए सोचा ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कह दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने सीना खोल दिया और इस्लाम ले आए। वो कुरैश के बड़े मोजेस और मजबूत जवान थे, यहाँ तक कि इनका लकब असदुल्लाह अल्लाह का शेर पड़ गया। वो ज़िलहिज्जा सन 6 नबुवत में मुसलमान हुए, सन 6 नबी में वो मुसलमान हुए। उनका लकब क्या था, असदुल्लाह अल्लाह का शेर। अल्लाह से खैर मांगा करें, कोई भी बहुत से ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो गुस्से के तेज हैं, बातें कह देते हैं, तो आप अल्लाह से तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनकी जबान से ऐसा कलमा निकलवा दे कि गुस्से में ही वो अच्छी बात कर जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों का कबूल इस्लाम, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हों के इस्लाम लाने के 3 ही दिन बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों भी मुसलमान हो गए। वो इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही सख्त गिर थे। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने छुप कर चंद आयतें सुन ली। इनके दिल में आया ये हक है लेकिन अपने अनाथ पर कायम रहे।
हत्ता के एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हो गई। इसने पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? अब देखें, एक वो चचा जो बिल्कुल भी जिन्हें पता ही नहीं है, जो चाहते भी नहीं इस्लाम, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम को बोल करा दिया, और इससे पहले कितनी सख्ती थी। अब हजरत उमर जो कि सख्त मुखालिफ है, और किस नीयत से निकल के आ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर देंगे। रास्ते में एक शख्स जो है वो मिला, उसने क्या कहा, कहाँ का इरादा है? बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, नाउज़ु बिल्लाह। इसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके बनू हाशिम और बनू जोहरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है कि तुम भी बेदीन हो चुके हो। इसने कहा, उमर हैरत की बात ना बताऊं, तुम्हारे बहन बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़ चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने शदीद गुस्से की हालत में बहन बहनोई के घर का रुख किया। वहां हजरत खब्बाब बिन उरत रजी अल्लाह ताला अन्हों सूरह तौहा पर मुश्तमिल एक सहीफा पढ़ा रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों की आर्ट सुनी तो वो घर के अंदर छुप गए और उनकी बहन ने सहीफा छुपा दिया। अंदर पहुंचे तो पूछा, ये कैसी बिन बिनाहट थी जो मैंने तुम लोगों की जुबानी सुनी? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, हम आपस में बातें कर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, गालिबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई ने कहा, अच्छा उमर, ये बताओ कि अगर हक तुम्हारे दीन के मां सिवा हो तो? इतना सुनना था कि हजरत उमर अपने बहनोई पर चर बैठे और इन्हें बुरी तरह कुचल दिया। बहन ने लपक कर उन्हें अपने शोहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूदा हो गया। बहन के जोश और गजब ने कहा, उमर अगर हक तेरे दीन के मां सिवा में हो तो मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को मायूसी और नदामत हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो किताब है जरा मुझे भी दो, मैं भी पढ़ूं। जा मारने के लिए जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा, पहले अपने घर में तो झांक लो, तुम्हारे तो घर वाले ही इस्लाम ले आए हैं। जब घर पहुंचे तो बहन और बहनोई सूरह तौहा की आयात तिलावत कर रहे थे और एक दूसरे को सिखा रहे थे। अंदर आए, बहनोई को खूब मारा पीटा, बहन को भी मारा, और बहन का खून जब देखा तो दिल पिघला। जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो दिल पे दस्तक हो गई और उन्होंने क्या कहा कि जरा मुझे भी दिखाओ कि क्या पढ़ रहे हो। तो बहन ने ला दिया। बहन का जवाब सुने, तुम ना पाक हो और इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुसल करो। आज इस फितनों के दौर में मैंने बहुत दफा देखा है कि हम लोग पाकी ना पाकी और वुजू का एहतमाम नहीं रखते और ख्याल भी नहीं रखते। जिस चीज को, जो चीज मिलती है ना मुश्किल से, उसको उसकी बड़ी कदर होती है। इनको ये दीन मिला मुश्किल से, जिद्दोजहद से, कितनी कदर थी। पहले जाओ गुसल करके आओ, फिर इसको हाथ लगाओ। हमारे लिए अमल का नुकता, अगर कोई बीमारी ना हो किसी को, कुछ लोगों को बीमारी होती है कि उनको वजू ठहरता नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी कुरान पाक को हाथ लगाने लगेंगे तो ये सोचे, ये किताब किसकी, ये आम बुक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ बुक, इट इज द बुक एंड द बुक ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। इतनी बड़ी जात की किताब को मैं हाथ लगा रही हूँ, खुदा ना खासा मैं ना पाक हूं या मेरा वजू ना हो, ये नहीं सीखने का अमल। क्यों कहा गया है कि हर वक्त बावजू रहे? अगर बीमारी है वो अल्लाह बेहतर जानेगा, वो अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन आइंदा जब भी किताब को हाथ लगाए तो ये किसकी किताब है? मेरे अल्लाह की। कौन किया करे, ये किसकी किताब है? ये मेरे अल्लाह की किताब है। मेरा अल्लाह कौन जो सबसे बड़ा है, मैं उसको पाक होके बावजू होके ही हाथ लगाऊंगी। उन्होंने गुसल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीजा नाम है। इसके बाद सूरह ताहा में से इस आयत तक की रात की। कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद का पता बताओ। तबलीग का नुक्ता क्या है? लोगों को कुरान से जोड़िए, कुरान सब सिखाते। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, फितनों में पड़ रहे हैं, किसी तरह भी जबरदस्ती से, प्यार से, किसी तरह भी अपनी औलाद को कुरान से जोड़ते हैं। जो कुरान पढ़ लेता ना, वो वाले दैन का भी फर्मा बरदार हो जाता है। जो
जो कुरान पढ़ लेता है वो किसी का हक भी नहीं मारेगा, जो कुरान पढ़ लेता है वो किसी की बहू बेटी पे गंदी निगाह भी नहीं डालेगा, और जो बच्चियां कुरान पढ़ लेती हैं वो शर्मो हया का पैकर बन जाती हैं। ये सुनकर खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आगे कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुतल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह उमर बिन खताब और अबू जहल बिन हशाम में से जो तेरा महबूब हो इसके जरिए से इस्लाम को कुवत पहुंचा, ये वो ही है। आज हम देखते हैं ना अपने प्यारों में से कोई दीन के रास्ते में नहीं आ रहा, हम उम्मीद छोड़ देते हैं। अभी किसकी बात हो रही है जो इस्लाम के उस वक्त सबसे बड़े दुश्मन थे, जा रहे थे किसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनको बदुआएं थी कि नहीं, इनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको कर दे, और अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। बेशक अल्लाह ने चेंज कर दिया उनका दिल, और कैसे वो इस्लाम कबूल करे। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे दो मजबूत इस्लाम के दावेदार अल्लाह ने दे दिए। हजरत उमर फिर बतलाया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के पास दारे अरकम में हैं। दारे अरकम क्या था? मुसलमानों का पहला खुफिया मरकज, जहाँ पे दरसो तदरीस दी जाती थी, जहाँ पे सिखाया जाता था तमाम सहाबा को जो वही आती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकलकर दारे अरकम के पास आए और दरवाजे को दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाजे से झांका तो देखा कि उमर तलवार हमायल किए मौजूद हैं। लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सब लोग सिमट कर यकजा हो गए। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बस उमर है, दरवाजा खोल दो, अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम इसे खैर रा करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो इसकी तलवार से इसका काम तमाम कर देंगे। अल्लाह अकबर, ये होते हैं बहादुर लोग। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग जो कहते हैं कहने दो, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। लोग क्या कहेंगे? आप पर्दा नशीन घोषा नशीन हो गई हैं, लोगों के लिए जिंदा रहना है? नो, किसके लिए जिंदा रहना है? अल्लाह के लिए। लोग कहेंगे पहले तो हमने सब कुछ इसका देखा हुआ है, अभी पर्दे में कैसे आ गई है, और अब अगर आप भी किए तो क्या फायदा? वी आर नॉट आंसरेबल टू पीपल, वी आर आंसरेबल टू अल्लाह। और जो मजबूत होता है, अब बाकी सहाबा क्या है? कमजोर थे, डर रहे थे, कौन है? अरे उमर आ गया, सारे एक साइड पे हो गए। हजरत हमजा क्या कह रहे हैं? कौन है? उमर, आने दो, क्या बड़ी बात है, अगर इस्लाम ले आया तो हम उसको खुशामदीद कहेंगे, नहीं लाया तो हमारी भी तलवारें हैं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमाते, आप पर वही नाजिल हो रही थी, वही नाजिल हो चुकी तो अंदर से बैठक में तशरीफ लाए और तलवार समेत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कपड़ा पकड़कर सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर क्या तुम इस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा नाजिल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है? या अल्लाह, ये उमर बिन खताब है, या अल्लाह इस उमर बिन खताब के जरिए से इस्लाम को इज्जत और कुव्वत अता फरमा। हजरत उमर ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नक रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह, ये है किब्रियाई मेरे अल्लाह की, जो दिलों को पलट देता है। इस पर घर के अंदर मौजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जोर से तकबीर कही कि इसकी गूंज मस्जिद हराम वालों तक पहुंच गई। जब आप इस्लाम की तरफ आते हैं ना, दो स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपके अंदर खुतबत शुरू, आपके अंदर की जंग शुरू, मैं करूं मैं ना करूं, मैं करूंगी तो क्या होगा, अगर मैं आज कर लूंगी तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा, मैं क्या करूं शुरू। फिर आप उस स्टेज से निकल के आपने आहिस्ता आहिस्ता अमल करना शुरू कर दिया, फिर अमल में मजबूती आई, थोड़ी सी जोर पकड़ा तो घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, घर वाले भी अगर शामिल हो गए, अल्लाह का करम हो गया, तो फिर और कुव्वत पकड़ी और आगे पहुंचाना शुरू कर दिया, और फिर क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एक जत्था बन गया, और इतनी जोर से वो आवाज जो चुप चुप के कहते थे, ऊंची आवाज में कहा अल्लाहु अकबर के मस्जिद हराम तक आवाज पहुंची। क्यों? क्योंकि खौफ खत्म। और कैसे? हमें मजबूत मुसलमान बनना है। आज का मुसलमान पता है कौन है? कमजोर मुसलमान।
सहमा हुआ मुसलमान, गरीब सा मुसलमान, मस्कीन सा मुसलमान, पर्दा भी कर गया, हाय मैं कर तो रही हूँ, हाय मैं तो इतनी अजीब लग रही हूँ, मैं जाके अपने आप को मैं कोने में जाके बैठूंगी, क्यों मैं पूरी महफिल में क्यों डंके की चोट पे नहीं फिरूंगी, मैं कब अड़ू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेहतरीन पढ़ा, मैं मिलूंगी सबको और मैं इस्लाम को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी कॉन्फिडेंस के साथ। आज इस्लाम और मुसलमानों, ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो कॉन्फिडेंट हो, जो पढ़े लिखे हों, जो स्किल्स में आगे हों, जो कैरेक्टर में आगे हों, जो किसी महफिल में जाए तो पता लगे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ये, डरे नहीं। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, जब लोग कपड़े उतारते भी नहीं शर्माते, कम कपड़े पहनते हुए क्यों शर्म, महफिलों में जा रहे हैं दुपट्टे गायब हो चुके हैं, गले डीप हो चुके हैं, बाजू स्लीवलेस में जा चुके हैं, नहीं शर्मा रहे। अल्लाह सबको हिदायत है, अल्लाह सबकी बहू बेटियों को हिदायत है, मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह मुझे भी हिदायत। तो हम पूरे कपड़े पहनते हुए क्यों डरते, मेरी कौन सी इज्जत में फर्क पड़ेगा, यकीन जाने किसी को 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना। ये सारी यहाँ दिमाग की गेम, मैं कैसी लग रही हूँ, तैयार होके आए, मैं तो नहीं अच्छी लग रही, मैंने बाल कवर कर दिए, मैं तो इतनी बुरी लग रही हूँ, मेरा तो मुंह इतना बड़ा लग रहा है, अब मैंने अब तो मैं बहुत ही बुरी लग रही हूँ, मैं जब सारे कहेंगे क्या है क्या है, ये सारी अपनी बातें हैं। और एक वक्त आता है कि मुंह खुलावा प्यारा ही नहीं लग रहा, जब कवर करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ, और ऐसा कोई अल्लाह कॉन्फिडेंस दे देता है कि दुनिया की खूबसूरत तो हुई मैं, हालांकि ये भी पता है मुझे ये रियलिटी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह आपके दिल को सुकून दे देता है उस राह पे जो सही है, अल्लाह से मांगो। और आज से यू आर गोइंग टू बी इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट मुस्लिम। जो एक जत्था यहाँ पे तैयार हो रहा है ना अमतुल्लाह का जत्था, ये देखना कितना जोर पकते, जो नए नए मुसलमान थे ना उनकी अपनी जगह थी ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब निकलती है ना तैयार होती है थोड़े से लोगों, अल्लाह चाहे तो उसको फल लगा दे, अल्लाह चाहे तो वो वहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन जो बेसिक लोग होते हैं उनकी अपनी बात है क्योंकि वो बुनियादे होते। मेरा पता है क्या दिक्कत है, जितने लोग ऑनलाइन है जितने ऑन साइट है, अमतुल्लाह का मतलब है सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की गुलाम सर्वेंट, ऐसा जत्था निकले कि दुनिया देखे कि ये भी है कॉन्फिडेंट मुस्लिम वुमेन, मस्कीन गरीब नहीं, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी प्राउड टू बी मुस्लिम वुमेन। हजरत उमर की इस्लाम में मुशरिकीन का रद्द अमल, अब इस्लाम ले आए, पहले हमने देखा था कि इस्लाम लोग ला रहे थे, गुलाम भी रहा रहे थे, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाए, कैसे उन पे जुल्म हुआ, अहले यासिर ने जब इस्लाम कबूल किया कैसे जुल्म हुआ, हजरत सुमैया को कैसे शहीद किया गया। तो क्या कहता है, सूफिया इस्लाम ला रहे थे, जो ला भी रहे थे वो जाहिर नहीं कर रहे थे। अब जो कॉन्फिडेंट मुसलमान होता है उसका तरीका चेक करे, मैंने जब पढ़ा मुझे इतना मजा आया और लुत्फ आया, ये तरीका है जो हमें अडॉप्ट करना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस कदर रशा जोर थे कि कोई इनका रुख ना करता, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे ना, कोई इनसे बहस नहीं करता था। चुनाचे जब वो मुसलमान हुए तो कुरैश का जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और मुसलमानों की ईजा रसानी में सबसे सख्त था, यानी अबू जहल, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सीधे उसके पास चले गए और दरवाजे को दस्तक दी, वो बाहर आए और देखकर बोला खुशामदीद, कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा ये तो मेरे पार्टी है, ये तो मेरे दीन पे है। वो बोले इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बताऊं कि मैं अल्लाह और इसके रसूल मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूँ। ये सुनते ही इसने दरवाजा बंद करते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अल्लाह तेरा बुरा करे, जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे। डर गया, ये है स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, नहीं डरे। अबू जहल क्या हुआ, गए सीधे, लोग छुपाते थे ना, सीधे गए उसके दरवाजे पे नॉक किया, उसने कहा वाह वाह कैसे आए हो, उसने कहा मैं ईमान ले आया हूँ अल्लाह पे और उसके रसूल पे, डर के उसने दरवाजा बंद किया। ऐसा मुसलमान बनना है। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मामू असी बिन हाशिम के पास गए और इसे बतलाया तो वो घर के अंदर घुस गए। पर्सनैलिटी चेक करें, आई एम सो इम्प्रेस्ड हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनैलिटी।
टंके की चोट पर कहते ना काम करना गए, उन्हें बताया, वो भी अंदर घुस गए। इसके बाद जमील बिन मोहम्मद जमही के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश में सबसे मुमताज था। ऐसे लोग होते हैं जिनको बात बतानी हो बता दे तो पूरे मोहल्ले में वैसे ही फैल जाएगी, तो ये वो वाला शख्स था। इसे बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो उसने बुलंद आवाज से चीख कर कहा, खताब का बेटा बेदीन हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये सुनकर लोग इन पर टूट पड़े। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को मार रहे थे और लोग हजरत उमर को मार रहे थे, यहाँ तक के सूरज सरों पर आ गया और हजरत उमर थक कर बैठ गए। पहले सहाबा को देखिए जिन्होंने फाइट किया। पहले हम देखते रहे कि मुसलमान कमजोर थे, वो बर्दाश्त करते। हजरत उमर पे जब उन्होंने एक्शन किया, उन्होंने फाइट किया, उन्होंने भी उनके साथ लड़ाई की। इसके बाद जब घर वापस हुए तो मुशरिकीन ने इस इरादे से जमा होकर इनके घर का रुख किया कि इन्हें जान से मार डालेंगे। इनका रेला इतना जबरदस्त था कि वादी गूंज उठी थी। इसी असना में आस बिन वायल सहमी आ गया। बनू सहम हजरत उमर के कबीले बनू अदी के हलीफ थे। वो धारीदार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता जेबतन किया हुए था। एक ऐसी पर्सनैलिटी आई जिसने धारीदार यमनी चादर का जोड़ा, मतलब कि बहुत ब्राइट सा जोड़ा पहना था और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता पहना हुआ था। इसने पूछा, क्या बात है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए आपकी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। आस ने कहा, ये नामुमकिन है। इसके बाद वो बाहर निकला, देखा कि लोगों के रेले से वादी गूंज रही है। पूछा, कहाँ का इरादा है? लोगों ने कहा, ये खताब का बेटा बेदीन हो गया है। आस ने कहा, उसकी तरफ कोई राह नहीं, तुम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनते ही लोग पलट गए। जब अल्लाह का साथ होना, कोई आपका बाल भी बांका नहीं। इस बात पे आप बिल्कुल फर्म यकीन कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि अब एक स्ट्रॉन्ग मुसलमान जब इस्लाम ले आता है तो इस्लाम को कैसी तकवीत मिली। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से उन्होंने बड़ी इज्जत और कुव्वत महसूस की। इससे पहले मुसलमान चुपकर नमाज पढ़ते थे। वो मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं है? खौ जिंदा है खौ मुर्दा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या हम हक पे नहीं है? अगर हम जिंदा रहें या मुर्दा रहें कोई फर्क पड़ता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों नहीं, आप हक पे हैं। उन्होंने कहा, फिर छुपना कैसा? ये क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, फिर कैसा छुपना? इजाद की कसम, जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम जरूर निकलेंगे। चुनाचे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमरा लेकर दो सफों में निकले, एक में हजरत हमजा और एक में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनके चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जब चल रहे थे हल्का हल्का रेत उड़ रही थी। यहाँ तक कि ये हजरात मस्जिद हराम में जा दाखिल हुए। कुरैश ने देखा तो इनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी। इसी वजह से हजरत उमर का लकब फारूक बढ़ गया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। उन्होंने ये भी फरमाया कि हम खाना काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर ना थे, यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत सोहेब रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए तो इस्लाम जाहिर हुआ, इसकी ऐलानिया दावत दी गई, हम हल्के लगाकर बैतुल्ला के गिर्द बैठे और इसका तवाफ किया, और जिसने हम पर सख्ती की इससे इंतकाम लिया और इसके बाद मजालिम का जवाब दिया। ये है स्ट्रॉन्ग मुस्लिम की पर्सनैलिटी। लर्न करने के लिए बहुत से इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, डोंट बी अशेम्ड मुस्लिम, बी अ प्राउड मुस्लिम। आज हम ये कहते हैं, भाई डरते हैं, ये झिझकते हैं, ये शर्माते हैं, हम मुसलमान हैं, दावे से कहें मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो आपकी पर्सनैलिटी में झलके। फिर जो भी आप एक्शन अल्लाह की खातिर कर रहे हैं उसमें क्या हो, डरे, बी वेरी फर्म एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। अब जब दो मेजर लोग हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ? पहले क्या करते थे मुसलमानों पे जुल्म, तो जब दुश्मन को ये पता चल जाता है कि अब ताकत इनके पास आ गई है तो अंदर से दुश्मन डर जाता है, फिर वो तोहफे देना शुरू करता है, ये ले लो, इस्लाम छोड़ दो,
ये ले लो हमसे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पेशकशें करेगा कि इस्लाम छोड़ दो। तो ये बेसिकली जो पेशकश थी ये इसलिए थी कि वो डर गए थे, अंदर से हिल गए थे कि अब तो उनके पास बड़ी ताकत आ गई, अब क्या करें, अब जोर तो नहीं चलेगा। तो अब उन्होंने तोहफे और तहाइफ देके इंडल्ज करना शुरू किया। बहुत से मुल्क अब ऐसे हैं जो कि मुसलमान स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर आप ये एग्री कर जाएं कि नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह ही कहना चाहिए कि अल्लाह माफ करे, आप एलजीबीटी की कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कि आप या गे हैं या आप लेस्बियन हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं, आप दावा करें, हम आपको नेशनैलिटी दे देंगे और हम आपको बेनिफिट्स दे देंगे। बेसिकली ये तो वही तरीका है जो मुशरिकीन ने अपनाया, और बहुत से हमारे लोग भी इस रविश पे चल रहे हैं, जस्ट टू अटेन वर्ल्डली बेनिफिट्स। हजरत हमजा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान हो जाने के बाद जब मुशरिकीन ने मुसलमानों की कुव्वत और शौकत देखी तो वहां मशवरे के लिए इकट्ठे हुए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में मुनासिब कदम उठा सके। इनसे उतबा बिन रबिया ने, जो बनी अब्द शम्स से ताल्लुक रखता था और अपनी कौम का सरदार और साहिब फरमा था, कहा, कुरैश के लोगों क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद बातें रखूं, मुमकिन है कोई चीज कबूल कर ले तो वो चीज हम इन्हें दे देंगे और हमसे बाज रहेंगे। बैठे पहले मीटिंग कर रहे थे कि कैसे ने मारे, कैसे तकलीफ पहुंचाए, आप क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं और उन्हें पेशकश करूं, हर चीज की पेशकश करूंगा, हो सकता है वो मांगे जाएं। लोगों ने कहा ठीक है अब्दुल वलीद आप जाइए और इनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मस्जिद में तन्हा बैठे थे, इसने कहा भतीजे, भतीजे का लफ्ज ऐसे जैसे आज हम कहते हैं ना भाई, या हम कहते हैं बेटे, बेटे मेरी बात सुनो, बेटी मेरी बात सुनो, भतीजे हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मुकाम है वो तुम्हें मालूम है, ये क्या हो रहा है बटरिंग, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मुकाम है वो तुम्हें मालूम है, तुम हस्ब और नस्ब के लिहाज से हमारे बेहतरीन आदमी हो और अब तुम अपनी कौम के पास एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इसका शेराजा बिखेर दिया है, इनकी अकलों की हिमायत जदा करार दिया है, इनके माबूदों और इनके दीन की ऐब चीनी की है और इनसे गुजरे हुए आबा और अजदाद को काफिर ठहराया है, लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं चंद बातों की पेशकश करता हूँ, इस पर गौर करो, हो सकता है कि तुम इनमें से कोई चीज कबूल कर लो। क्या कह रहा है पहले, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे खानदान से हो, तुम्हारा एक मकाम है, लेकिन तुम जो बात लेकर आए हो इससे बड़ा मसला और है, मैं तुम्हारे लिए एक पेशकश लेकर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये सीखने की बात है, अगर कोई हमारा मुखालिफ या ऐसा बंदा जो हमारे पास आ जाए वो हमें ऐसा कहता हम क्या कहते हैं, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी भाई, हमने नहीं सुनी, आप जाएं जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रद्दमल नहीं किया, आपने कहा अबुल वलीद कहो मैं सुनूंगा, इसने कहा भतीजे ये मामला जैसा तुम लेकर आए हो अगर इससे तुम चाहते हो कि माल हासिल हो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ, और अगर तुम एजाज और मर्तबा चाहते हासिल करना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, इसलिए अगर कह रहे हो कि तुम्हें माल चाहिए हम तुम्हें माल देंगे, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास होगा, इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें एक रुतबा मिले, एक तुम्हें सरदार की हैसियत मिले तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश नफ्स है तो कुरैश की जो औरत चाहो मुंतखब कर लो, अगर औरत चाहते हो तो औरत दे देंगे, माल चाहते हो तो माल दे देंगे, रुतबा चाहते हो तो रुतबा दे देंगे, हम 10 औरतों से तुम्हारी शादी किए देते हैं। अरब में बहुत सी शादियों का रिवाज था और जायज, कहते हैं 100-100 शादियां भी होता उस वक्त, ये जायज था कि अगर औरत चाहते हो हम 10 औरतों से तुम्हारी शादी कर देते हैं, और ये जो तुम्हारे पास आता है अगर वो कोई जिन भूत है, क्या आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वही, तो क्या कह रहे हैं ये जो तुम्हारे पास आता है अगर ये कोई जिन भूत है जिसे तुम दफा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज फराहम किए देते हैं और इस पर इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शिफायाब हो जाओ, नाउज़ बिल्ला अगर तुम्हें कोई बीमारी होगी, दिमाग पे असर हो गया तो हम इतना तुम्हारा इलाज कराएंगे तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी कोई जिन भूत इंसान पर इस कदर गालिब आ जाता है कि इसका इलाज कराना ही पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या अबुल वलीद अपनी बात कह चुके,
कर ली। उनका पूछा आपने जो कहना था आपने कह लिया? इसने कहा हाँ। आपने फरमाया अब मेरी बात सुनो। उसने कहा ठीक है सुनूंगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुसिलत की आयात जो है वो तिलावत फरमाई, फरमाया फुसिलत। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, हामीम। ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बिशारत देने वाला और डराने वाला। लेकिन अक्सर लोगों ने एराज किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज की तरफ तुम बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान रोक है। बस तुम काम किए जाओ, हम भी अपना काम किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते गए और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेके सुनता रहा। जब आप इस आयत को पहुंचे, बस अगर वो रुगर्दानी करें तो तुम कह दो कि तुम में कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह कर रहा हूँ। तो उतबा ने अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिया और अल्लाह और कराबत का वास्ता देकर कहा ऐसा ना करें। क्यों? इतना यकीन था कि अगर ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकल गई तो ये पूरी हो जाएगी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुशरिकीन जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, लेकिन इस बात का भी इतना यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो जब अजाब की बात आई कि ऐसी कड़क तुम पे पड़ेगी, फौरन उनके मुंह पे हाथ आया कि तुम ऐसी बात ना करना। इसे डर था कि ये अजाब आ पड़ेगा। इसने कहा इतना काफी है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयते सजदा पर पहुंचते तो सजदा किया, फिर फरमाया अबुल वलीद तुमने सुन लिया? इसने कहा हाँ मैंने सुन लिया। आपने फरमाया अब तुम हो और वो है। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों का रुख किया। उन्होंने आपस में कहा वल्ला उतबा वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो लेके गया था। लेके गया था बड़ा कॉन्फिडेंट चेहरा कि मैं जाऊंगा उनको पेशकश करूंगा, और जब वापस आया चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फिर जब उतबा इनके दरमियान आ बैठा तो उन्होंने कहा अबुल वलीद पीछे की क्या खबर है? इसने कहा पीछे की खबर ये है, मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वल्ला मैंने वैसा कलाम कभी नहीं सुना। वल्ला ना वो शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। इतना असर होता है कलाम अलाही का। क्या कह रहे हैं? इस मामले को छोड़ दो, मेरी राय ये है कि इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो, अलग थलग बैठे रहो। अल्लाह की कसम मैंने इसका जो कौल सुना है इसे जबरदस्त वाकया रोनुमा होकर रहेगा। क्या है जबरदस्त वाकया? कयामत वो रोनुमा होकर रहेगी। अब अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए से अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाह तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सआदत का बायस होगा। दुश्मन के मुंह से कैसे अब अल्लाह ने निकलवा दिया। लोगों ने कहा अबुल वलीद बल्ला इसने तुम पर भी जादू कर दिया है। जब कुरान दिल पे उतरता है ना तो अल्लाह की कसम दिल पे जादू हो जाता। आप ऐसी बातें करते हैं लोग आपको देख के कहते हैं तबीयत आपकी ठीक है, आर यू ऑल राइट, लेकिन ऐसा ये कलाम है कि दिल पे बहुत पुर असर हो जाता है। इसने कहा इस शख्स के बारे में मेरी राय यही है कि अब तुम जो चाहो करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो कलाम इलाही सुनते थे उन पे ऐसा असर होता था कि वो पलट जाते थे। तो लोग क्या कहते थे? इस पे भी जादू चल गया। ऐसा नहीं होता कि आज हकीकी तौर पे अल्लाह जिसको हिदायत दे दे वो पलट जाता है तो लोग कहते हैं इस पे एक्सट्रीमिज्म का भूत सवार हो गया है, बहुत शिद्दत पसंद हो गई है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमने क्या करना है? हमने हक पे फर्मली डटे रहना है। इसके बाद इस नाकामी के बाद मुशरिकीन ने सोचा कि दीन के बारे में सौदेबाजी की जाए। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हम आपको एक पेशकश करते हैं जिसमें आप ही की बेहतरी है। आपने पूछा वो क्या है? उन्होंने कहा एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें और एक साल हम आपके माबूद की पूजा इबादत करेंगे। अगर आप
अब अगर हम हक पर हैं और आपने इससे एक हिस्सा ले लिया, और अगर आप हक पर हैं तो हमने इससे एक हिस्सा ले लिया, इस पे अल्लाह सुबहान तआला ने सूरत नाजिल की, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. آج ایک بہت بڑا فتنہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پیسفلی رہیں. آپ ہمارے چرچز میں بھی آئیں، آپ ہمارے مندروں میں بھی آئیں، اور اس ہم پیسفلی مل جل کے رہیں گے. دیکھا ہے آج کل یہ ہو رہا ہے، بہت بڑے سٹارز یا کہنے کو سو کالڈ سٹارز اینڈ پولیٹیشنز کو دیکھا ہے، وہ مندر بھی جا رہے ہیں، وہ پوجا کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. اس دفعہ اسلام آباد میں ہولی بھی کنڈکٹ ہوئی ہے، بہت سے اور چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں، بہت سے لوگ چرچز بھی جا رہے ہیں، کرسمس منا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پیسفل ہے نا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ بھی تو اچھے لوگ ہیں. ایک گلاس میں رکھوں صاف پانی اور ایک گلاس میں رکھوں گندا پانی، اور صاف پانی جو ہے اس میں میں کیچڑ والا پانی ایک ڈراپ بھی ڈال دوں تو وہ صاف رہے گا، اور جتنا وہ کیچڑ والا پانی اس صاف پانی میں جاتا جائے گا تو کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی وہ صاف پانی بھی گندا پانی ہو جائے گا. مسلمانوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ غیر مسلم اور ایسے مسلمانوں سے جو پریکٹسنگ نہیں ہے ڈسٹینس مینٹین کرو، کیوں؟ کیونکہ آپ کا صاف پانی بھی گندا ہو جائے گا، آپ کو گناہ گناہ ہی نہیں لگے گا. اب جو ٹائم آ گیا ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اس کو فیشن کا، ماڈرنزم کا، لبرلزم کا نام دیا جا رہا. کتنے لوگ ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم روز دیکھتے ہیں، جو ہماری فیلڈ ہے ہم تو آتے جاتے دیکھ نہیں رہے ہوتے. بچیاں ماں کے دوپٹے اتروا رہی، ماں آج تو ایک دن ہو کیا ہوا، آپ دوپٹہ نہیں کریں گی آج، آج آپ اچھا سا ہیئر اسٹائل بنا کے جائیں. چھوٹی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، اسٹار پلس کی ہیروئنز بن کے پھر. کل ہم نے لائیو شو بھی دیکھا تھا اس بارے میں. کہتے ہیں نا جو لوگ کہ کیا ہوتا ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کے مخلص ہیں. exactly یہ ہوگا. ہمیں پتا ہے شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، جس نے دل میں مان لیا حرام ہے، اس کا تو سامنے بھی نہیں آ سکتی، بہت دور ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے باہر کے ملک کی بات کری، یہاں پہ بھی شروع ہو گیا، لیکن اللہ ہمیں بچائے کہ سامنے اس کا جو ایسا بندہ جو نہیں ہے مسلمان، وہ ڈرنک کر رہا ہے لیکن وہ اس کو الاؤ کر رہا ہے، تو ایک ٹائم ایسا نہیں آئے گا کہ وہ ڈرنک کر رہا ہوگا اس کو یہ چیز بری نہیں لگے گی. سو غیر مسلم ہے لیکن کپڑے اس نے پورے نہیں پہنے ہوئے، آپ کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اس کا ہے نا، میں تو نہیں دے، میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اٹس اوکے، اسے کرنے دو پریکٹس. لیکن کیا آپ کے دل میں فتنے نہیں اٹھیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آج ہماری پوری جنریشن اسپیشلی ینگ بچیاں کس کو فالو کر رہی ہیں؟ دیپیکا کو، عالیہ بھٹ کو، شاہد کپور کو، اور جتنے بھی اسٹارز آپ دیکھ لیں ان کو، وہ اور مجھے تو حیرت ہوئی دیکھ کے فیس بک پہ کلپ ہے، آنٹی آپ اس سے گلے مل رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ آپ کا بیٹا باہر سے گورا ہے. اب ایک بندے نے یوٹیوب میں ویڈیو ڈالی ہے، یہ دیکھیں، ہاں وہ ارتگل والا کوئی ہیرو ہے، مجھے نام نہیں سوری پتا، وہ کھڑا ہوا ہے، آج بہت ایکسائٹنگ ڈے ہے، میں اپنی ماما کو سرپرائز کروں گا. ماما بھی برگر ماما ہے، ماما پوری تیار فٹ آئی ہیں، انٹر ہوئے ہیں جی، انہوں نے دیکھا ہے کوئی کھڑا ہے، بندہ چیخے مار گیا ہائے 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 ہائے، جا کر اس کو چپکی. آئی ایم سو ہیپی، آج تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. استغفر اللہ، شرم ہو گیا کون سے بچے کو، یہ شرم نہیں آ رہی کہ میری ماں غیر محرم سے گلے مل رہی ہے، ماں کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں اپنے بیٹے کے سامنے کیا پورٹری کر رہی ہوں، اور دیکھنے والا ایک اس محفل میں کہ خدا کا خوف کرے آنٹی، ابھی اگر آپ کی جان نکل گئی تو یہ آپ کو بچائے گا جہنم سے. ویلیوز ختم ہو چکی، بچیاں ناچ رہی ہیں، مائیں نچا رہی
है, बाप देख रहे हैं। अब न्यू ट्रेंड आया है, बेटी और बाप का डांस वायरल हो रहा है। आप हक और गलत चीज को इकट्ठा नहीं रख सकते। जो लोग कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ेगा, आपके दिल सुन हो जाएंगे, फिर आपको सही बात सही नहीं लगेगी, दिलों पे बोझ लगेगी और कानों पे बोझ लगेगी, और बहुत से लोगों को आज कानों पे बोझ लगती है। और ये भी नाजिल फरमाया, ए जाहिलो, क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं? और ये भी नाजिल फरमाया, आप कह दें मुझे मना किया गया है अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो इनकी इबादत करूं। मुशरिकीन इख्तलाफ खत्म करने के ख्वाह थे और उतबा बिन रबैया ने जो उम्मीद जाहिर की थी इसकी तवक्को भी रखते थे, लिहाजा उन्होंने मजीद दस्त बर्दारी का इजहार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पेश फरमा रहे थे इससे कबूल करने का मिलान भी जाहिर किया। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आई थी इसमें कदर तगय्युर और तबद्दुल की शर्त लगाई की। क्या कहा गया वही में? सूरह यूनस की आयत नाजिल की गई, इसके बजाय कोई और कुरान लाइए या इसमें तब्दीली कर दीजिए। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, आप कह दें मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली करूं, मैं तो इसी बात की पैरवी करता हूं जिसकी वही मेरी तरफ की जाती है। अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। नेज़ अल्लाह ने इसकी संगीनी पर आपको मुतनब्बे किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो बास ख्यालात गुजर रहे थे इनका जिक्र करते हुए फरमाया, और बेशक करीब है ये लोग आपसे इस चीज के मुतालिक फितने में ये लोग आपको इस चीज के मुतालिक फितने में डाल देते जिसकी वही हमने आपकी तरफ की है, और तब यकीनन ये लोग आपको गहरा दोस्त बना लेते, पर अगर हमने आपको साबित कदम ना रखा होता तो आप इनकी तरफ थोड़ा सा झुक गए होते, लेकिन ऐसी सूरत में हम आपको जिंदगी का दुगना और मौत का दुगना अजाब चकाते, फिर आप अपने लिए हमारे बरखिलाफ किसी को मददगार ना पाते। इस ठोस मौकिफ से मुशरिकीन पर यह बात वाज़े हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई दीन की दावत दे रहे हैं, आप कोई ताजिर नहीं जो कीमत के बारे में सौदेबाजियां या दस्तबरदारी कबूल कर लेता। लिहाजा उन्होंने चाहा कि एक और तरीके से इस बात को मजीद पुख्ता कर लें। चुनांचे उन्होंने यहूद के पास नुमाइंदे भेजे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनसे दरियाफ्त करें। उलमा यहूद ने कहा, इससे तीन बातें पूछो, अगर वो बता दे तो वाकई नबी मुर्सिल है वरना बनावटी है। पहले क्या किया, तोहफे तहाय की पेशकश की, फिर कहा कि आप थोड़ा सा हमें मान लें, हम थोड़ा सा आपको मान लेंगे, और आज भी ये है, वो कहते हैं आप ही इजीली अपना करें और हमें भी अपना करने दें। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर तुम उनकी तरफ थोड़ा सा भी मायल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बेसिकली हमें कहा जा रहा है, अगर तुम उनकी तरफ मायल हुए तो जिंदगी में भी दुगना अजाब दूंगा और आखिरत में भी दुगना अजाब दूंगे। अब तीसरा क्या उन्होंने टेक्निक की, यहूदी जो थे उल्मा, उन्होंने कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाकई ही वही होती है तो उनसे ये तीन सवाल पूछिए। इससे चंद जवानों के बारे में पूछो जो जमाने अव्वल में गुजर चुके। ये कौन सा है? सूरह कहफ में जो सहाबे कहफ है इनके बारे में पूछो, इनका क्या वाकया है, क्योंकि इनका बड़ा अजीब वाकया है, और इससे एक गर्दिश करने वाले आदमी के मुतालिक पूछो जो जमीन के मशरिक और मगरिब तक पहुंचा था। कौन सा बंदा था ये? ज़ुल्क़र्नैन के बारे में। और इससे रूह के बारे में पूछो कि वो क्या है। चुनाचे सरदाराने कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सवालात रखे। जवाब में सूरह कहफ नाजिल हुई जिसमें इन जवानों का वाकया बयान किया गया है, और वो असहाबे कहफ हैं, और इस गर्दिश करने वाले आदमी का वाकया बयान किया गया है और वो ज़ुल्क़र्नैन है, और इसके अलावा सूरह इसरा में रूह के मुतल्लिक सवाल का जवाब नाजिल हुआ। फरमाया गया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप कह दें रूह मेरे रब के अमर से है और वो तुम्हारे इल्म से बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया। ये इम्तिहान इस बात पर कुरैश के मुतमईन होने के लिए काफी था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं, बशर्ते के वो यकीन रखते। जो जो कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर क्या है? सुम्मुन बुकमुन उम्युन, जिसको अल्लाह नहीं हिदायत देता गूंगे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं,
बहरे हो जाते हैं। फिर वो तालबा क्या कर दिया कि हमारी मजलिस में गरीब गुरबा गुलाम नहीं आएंगे, एलीट लोग आए। उन्होंने ये शर्त लगाई कि इनके लिए मखसूस मजलिस हो जिसमें कमजोर मुसलमान हाजिर ना हो, यानी वो गुलाम और मसाकीन वहां ना आए जो पहले मुसलमान हो चुके हैं। ये मुतालबा करने वाले मक्का के सादात और अशराफ थे, उन्हें गवारा ना था कि इन मस्कीनों के साथ बैठे जो असहाबे ईमान तकवा होने के बावजूद कमजोर और गुलाम थे। शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस मुतालबे को कबूल करने पर किसी कदर आमादा भी हुए कि मुमकिन है कि इस तरह वो ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद लचक दिखा देते कि इस तरह वो ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मना कर दिया और फरमाया जो लोग अपने रब की मर्जी चाहते हुए इसे सुबह और शाम पुकारते हैं आप इन्हें अपनी मजलिस से ना हटाएं, आप पर इनका कोई हिसाब नहीं और इन पर आपका कोई हिसाब नहीं, आप इन्हें हटाएंगे तो जालिमों में से हो जाएंगे। इस्लाम यकसानियत दिखाता है, सब बराबर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। और इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? नमाज। एक ही सफ में खड़े हो गए और उस वक्त सबसे अल्लाह के करीब कौन होता है और सबसे आगे कौन होता है? जो अल्लाह को उसके कुरान को सबसे ज्यादा जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से अपने लिए पक्का इरादा कर ले, आई एम गोइंग टू बी अ प्राउड मुस्लिम नॉट एन अशेम्ड मुस्लिम। दूसरी बात, मेरा दीन हक है, मैं इस पे कायम रहूंगी। कोई ऐसी महफिल, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी दोस्त, कोई ऐसे अजीजो अकारिब जो भी मुझे इससे दूर करने की कोशिश करेंगे, जिनके पास जाके मेरा दिल दुनिया की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, मैं उनसे दूर रहूंगी। जो कुफार के तरीके हैं वो हमारे नहीं हो सकते, सूरह काफिरून इसकी बहुत बड़ी दलील है। उनके लिए उनका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे लिए सिर्फ दो ईदें ही हैं, मैं होली नहीं मना सकती, मैं चर्च में नहीं जा सकती, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं किसी भी उनके फेस्टिवल का हिस्सा बनती हूँ इसका मतलब है मैं वो मानती हूँ जो वो कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंट मुस्लिम और एक पॉलिश्ड मुस्लिम और एक केपेबल मुस्लिम कितनी तकबीयत देता है इस्लाम को, लोग अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा आएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम तबलीग की राह में निकलें, हम चाहते हैं हमारी वजह से लोग इस राह में आए, तो हमने क्या करना है? हमने पढ़ना है कुरान को, समझना है, अमल करना है और कॉन्फिडेंटली इसकी तबलीग करनी है। अल्लाह सुबहान तआला आपसे मुझसे राजी हो, पढ़ने पढ़ाने में जो हमारी खताएं गलतियां मुझसे होगी अल्लाह मुझे माफ करे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे, हम बेहतरीन अमल करने वालों में हो जाएं। अल्लाह सुबहान तआला इस सीरत के सफर को हमारे लिए कुरान तक जाने का सफर बना दे। अल्लाह सुबहान तआला हमारे दिल में वो मोहब्बत वो एहसास जगा दे जो सहाबा किराम के दिल में था और हम एक खूबसूरत प्राउड मुस्लिम बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए इतना ही। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.